बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज द वाइट विंडो। द वाइट विंडो, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स टू नो, फॉग, पीपल, लोग, प्रिटेंटेड, एक्ट एज इफ, मेक अप समथिंग, मतलब ड्रामा करना, स्ट्रीलिंग, मूविंग क्विकली, क्रीपिंग, चुपके चुपके चलना, टिपी टोज, वॉकिंग क्विकली ऑन द टिप्स ऑफ वन्स टोज, टिप टोज, पंजों के बल चलना, द मून कम्स एवरी नाइट टू पीप, चांद हर रात आता है झांकने, थ्रू द विंडो वेयर आई लाई, खिड़की जहाँ से मैं लेटा होता हूँ, बट आई प्रिटेंड टू बी असलीप, लेकिन मैं सोने का ड्रामा करता हूँ, मतलब ये कि मैं सो नहीं रहा होता, मैं सिर्फ ये ड्रामा कर रहा होता हूँ। जैसे यहाँ पे हमें ये खिड़की से मून नज़र आ रहा है और बच्चा जो है उसके फेस पे एक स्माइल है, मतलब वो सोया हुआ नहीं है लेकिन ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि वो सोया हुआ है। एंड वॉच द मून गो स्लोली बाय, और चांद को हौले से आहिस्ता से गुज़रते हुए देखता हूँ, एंड शी नेवर मेक्स अ साउंड, और वो कभी आवाज़ नहीं निकालता, शी स्टैंड्स एंड स्टर्स एंड देन शी गोज, वो खड़ा होता है और वो देखता है और फिर वो चला जाता है, टू द हाउस डैट्स नेक्स्ट टू मी, मेरे साथ वाले घर में, स्टीलिंग बाय ऑन टिपी टोज, पंजों के बल चुपके चुपके चलते हुए, टू पीप एट फॉग अस्लीप मे बी, शायद सोए हुए लोगों को देखने के लिए, एंड शी नेवर मेक्स अ साउंड, और वो कभी आवाज़ नहीं निकालता। जेम्स स्टीफन्स ने ये पोएम लिखी है, और जेम्स स्टीफन के बारे में यहाँ पे चंद लाइनें हैं कि उसकी ये पैदाइश और जो है वफात की डेट है। उसके बाद क्या कि आयरलैंड का वो रहने वाला था और एक नावल निगार भी था, एक शायर भी था, और इसने कई पुरानी देवमालाई दास्तानों और परियों की कहानियों को नए अंदाज़ में तहरीर किया, मतलब ये कि उसमें एक नया टच उसने दिया। जैसे यहाँ पे वो चांद के बारे में बता रहा है कि जब वो मेरी खिड़की में आता है तो मैं सो नहीं रहा होता, मैं सिर्फ ड्रामा कर रहा होता हूँ, फिर वो आहिस्ता से अगले घर की तरफ चला जाता है सोए हुए लोगों को देखने के लिए। तो ये आज की पोएम थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसकी ट्रांसलेशन होगी, इसकी एक्सरसाइज करेंगे।